नमस्कार साथियों, यूएस स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए है। UPSSSC पैट का एग्ज़ाम होने वाला है और आपके उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनमें हम जीके के क्वेश्चंस में भारत की जनगणना के आधारित जो प्रश्न होते हैं, उनमें से एक दो तीन चार क्वेश्चंस ऐसे करके आते हैं, तो ये उसी पर आधारित वीडियो है। तो आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले बात हम दोस्तों करेंगे कि व्यक्ति है 2000, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक और 2011 की तुलना की गई है। तो व्यक्तियों में पुरुष और महिला की जो प्रतिशतता है, तो आप देख सकते हो 2001 में 51.73% थी, और जो कि 2011 की जनगणना की बात करें तो 51.47% रही। वही महिला साक्षर महिला की बात करें तो 48.27% है, और यहाँ पे कितने परसेंट बढ़ के आ रहे हैं, 53%। तो ये रहा। अब वही आप बात करेंगे 0 से 6 आयु जनसंख्या के आधार पर लिंगानुपात की, तो कुल हमारा रहता है 2011 की, 2001 का आंकड़ा है। तो 2011 की बात करें दोस्तों, तो 13.60% है, और इसमें लिंगानुपात के की बातें कर की जाए तो कुल है आपका 933 है 1000 पर, और 2011 में 943 कितने 1000 पर। ये इम्पोर्टेंट होता है कि 2001 और 2011 की तुलना की जाए। तो दोस्तों, ये एक रेशियो जो होता है, कभी कभी हम 2001 का भी पूछ सकता है और 2011 की, तो आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, तो 64.8% और यहाँ पर बढ़कर होती है 73.00%। यानी दोस्तों, 2001 और 2011 की तुलना कीजिए तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों 75.26% था 2001 में, और वहीं आप 2011 की बात करें तो 80.90% था। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 53.67%, और 2011 में बढ़कर आ गया है 64.60%। ओके, अगर आप बात करें नगरीय प्रतिशतता की बात करें तो 2001 और 2011 की तुलना करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27.81%, और यहाँ पर आप 2011 की बात करें तो 31.10% है। दशक वृद्धि दर की बात करें तो दोस्तों 21.54%, और यहाँ पे आप देख रहे हो 2011 में 17.70% है। वार्षिक वृद्धि दर की बात करें 1.97% और 1.64% रही। जन घनत्व व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की, तो 2001 की में 325 और यहीं 2011 में 382 रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जन घनत्व आपका बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये कई बार 325 और 382 और भी जो संख्याएं दे दी जाती है, तो आप अगर इसको सही से अगर आपके माइंड में नहीं रहा तो आप समझ सकते हो कि आप ना कितना लॉस कर सकते हैं। अगर हम बात करें 2011 की उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो केरल है 1084। दोस्तों, अगर इसमें कुछ आंकड़े में अगर थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो जाए तो बता दीजिएगा। उच्चतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आप जानते हैं हरियाणा है, 876 कितना है दोस्तों, 876 है, जो कि बहुत ही देखिए 876। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो दमन और दीव है 618। अगर आपसे हम ये कहें कि उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है तो वो हमारा है केरल, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम वाला रहेगा हरियाणा, हरियाणा। ओके, ये राज्यों की बात हो रही है दोस्तों। और अगर हम बात दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाले, तो आप जान रहे हैं पुडुचेरी है, पुडुचेरी, और न्यूनतम की बात करें दमन और दीव। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप इसको बहुत ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अब दोस्तों बात करें उच्चतम शिशु यानी 0 से 6 लिंगानुपात वाला राज्य जो है,
वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, देखिए 972। उच्चतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की हम अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो वो है आपका हरियाणा, और सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6 की बात हो रही है तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। क्या रखेंगे आप? दिल्ली। तो उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और उच्चतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे कम शिशु 0 से 6 लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो आपका हरियाणा है, जहाँ 834। क्या सोचिए, सबसे कम शिशु जो 0 से 6 लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो दिल्ली है 871। तो गैस इसको आप बहुत ही ज्यादा केयरफुली देखिए। जनघनत्व की बात हम करने जा रहे हैं कि दृष्टि से 2011 की रहेगी। आप उच्चतम घन जनघनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है 1106। उच्चतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो दिल्ली है, और यह है 11320। तो कुछ इस तरह से हमारे ये है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य की बात करें, उच्चतम में आपके बिहार है तो न्यूनतम में आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो आपको अगर पूछा जाए तो सबसे जो उच्चतम जनघनत्व है वो आपका है बिहार, क्या है? बिहार। और न्यूनतम की बात करें राज्यों में वो आपके है क्या? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ओके, और वहीं पे हम अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली, और वहीं अंडमान निकोबार सबसे कम है, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करने जा रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। 2011 का ये आंकड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। ओके, राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम कंपेयर देखिए करने की बात होती है, कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है इस प्रेजेंट टाइम में आपका लद्दाख है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से आप बात करेंगे दिल्ली। सबसे छोटा राज्य आप कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है गोवा, और सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भी है लक्षद्वीप। तो आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही कैरी यानी बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा केयरफुली। यहाँ पे लक्षद्वीप जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों में है सबसे कम। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य 2011 के अनुसार, और यहाँ पे आप देखोगे 5 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र की बात कर रहे हैं 2011 के अनुसार, हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो दिल्ली जो यहाँ पे आप देखोगे जनसंख्या की दृष्टि से 2 5 राज्यों की बात हो रही है और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो उत्तर प्रदेश जो है 16.51% के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र है 9.28% के साथ, बिहार है 8.60% के साथ। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य है जो वो है पश्चिम बंगाल 7.54% और आंध्र प्रदेश है 6.99%। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो दिल्ली और ये पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। तो ये सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है 54.3% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य क्या है तो बिहार है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप में और सबसे कम है दादरा व नागर हवेली में। तो आप इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य और उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य है यहाँ पे
तो आप देख सकते हो, जब भी आपको कहेंगे कि उच्चतम साक्षरता दर है तो हमारे केरल राज्य की है, बिहार की सबसे कम है, हमने सब सबसे कम पहले रखा है और उच्चतम बाद में रखा है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला दूसरा राज्य है, वहीं लक्षद्वीप जो है राज्य है उच्चतम साक्षरता दर वाला दूसरा राज्य, वहीं तीसरा राज्य है मिजोरम और चौथा राज्य है गोवा। तो सबसे कम साक्षरता दर पर राज्य में स्थान पर है, तीसरे स्थान पर क्या है राजस्थान है, और चौथे पर आपका है झारखंड, और दूसरे पर आपका है अरुणाचल प्रदेश, और पहले भी आपका बिहार। तो इस प्रकार उच्चतम जो साक्षरता दर वाला राज्य है दोस्तों, देखिए पहले पे हमारा केरल, दूसरे पे हमारा लक्षद्वीप, तीसरे पे हमारा मिजोरम और चौथे पे है गोवा। ये क्रम आपको याद रखना है। देखिए अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले, तो अलीराजपुर जिला जो है और ये है बीजापुर, सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, झाबुआ। और उच्चतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करें दोस्तों तो शेरशिप, आइजोल, माहे, कोट्टायम, तो ये है आपका उच्चतम और सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले जिलों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उच्चतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट आप देख सकते हो सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं और उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो दमन और दीव है, दमन और दीव में 618, दादरा नगर हवेली 474, चंडीगढ़ में 818, दिल्ली है 867। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, सबसे पहले आपको क्रम में देखेंगे तो पहले पे आपका दमन है, दूसरे पर आपका दादरा नगर हवेली, तीसरे पर आपका चंडीगढ़, चौथे पर आपकी दिल्ली। और आप उच्चतम उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें दोस्तों तो केरल है पहले प्रथम स्थान पर, पुदुचेरी है, फिर तमिलनाडु है, और उसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश। तो उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य है, बहुत ही ध्यान देना है आपको सब पर। तो आगे नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में साक्षरता दर है वो है 77.7%, और ग्रामीण इलाकों की साक्षरता दर की बात करें तो 73.5%, और शहरी इलाके की साक्षरता दर कितनी है तो दोस्तों 87.7% है। ओके अब देखिए नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले और न्यूनतम वृद्धि दर वाले दो दो जिलों का नाम है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखो सर्वाधिक जनसंख्या दर वृद्धि दर वाले जिले जो है अरुणाचल प्रदेश का है कुरंग कुमे, यहाँ पे याद रखिएगा, पुदुचेरी दूसरा है, और नागालैंड के दो जो जिले हैं लॉन्गलेंग और किफिरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य जो है केंद्र शासित क्षेत्र में, आप सर्वाधिक वृद्धि दर वाले और न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य जो है राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और नागालैंड, केरल। ओके गाइस तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये थे आज की ये वीडियो फाइनली। अगर इसमें कोई भी डाटा जो है अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।